नथ गहना है या है बेट। अब आप जान लेंगे का सबकी कितनी मतलबी है आप, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। जब तुमने शंभू जी को हमसे छीना तो क्या किसी ने कुछ किया? हाथ पे हाथ धरे खड़े सब देखते रहे, हमरा प्यार, हमरी जिंदगी, हमरी किस्मत, हमरा हक सब छीन लिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने बूंदी जी, सही कह रहे हैं आप। आपको समझते हैं हम बूंदी जी, आप इस परिवार के साथ इससे नहीं है क्योंकि हम आपके साथ नहीं हैं। अगर आपको हमारा प्यार मिल जाए तो आप इस परिवार का साथ भी देंगे, है ना? तो आप मानते हैं कि ये सच है कि आपको और हमें साथ होना चाहिए था? बिल्कुल बूंदी जी। और बूंदी जी अभी भी देर नहीं हुई, हम तो कहते हैं कि अभी भी हम भाग चलते हैं बूंदी जी। आप मानते हैं फिलहाल हमारे पास पैसा दौलत जायदाद कुछ नहीं है, पर कम से कम एक दूसरे का प्यार तो होगा बूंदी जी। गरीबी में रहना पड़ेगा पर सह लेंगे एक दूसरे के लिए उतना। नौकर नहीं होंगे, गाड़ियां नहीं होंगी, सारा काम खुद करना पड़ेगा, पर एक दूसरे का साथ होगा बूंदी जी, उतना काफी है ना हमारे लिए। एक मिनट सबू, तू क्या बोलने जा रहा है? अरे तुम मौका का ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? अरे जो कह रहे हैं ठीक ही तो कह रहे हैं। अब क्या करें, राधे भी नहीं है हमारे बीच और हम और महुआ तो पहले ही अलग हो चुके। देखिए अब तो हमारे बीच कोई भी नहीं है। बुद्धि जी हम तो कहते हैं कि अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। एक काम करते हैं, भाग चलते हैं, साथ अपनी एक छोटी सी नई जिंदगी शुरू करेंगे। महुआ तू खड़े खड़े क्या देख रही, रोको से कि क्या बोले जा रहा है ये? नहीं सासुमा, जिसने जाने का फैसला ले ही लिया है उनको रोक के क्या फायदा। साथ रहेंगे मिलके। कहा हुआ बूंदी जी, आपके लिए हमारा प्यार काफी नहीं है? आपके शंभू का प्यार, पैसा नहीं है तो क्या प्यार को भी छोड़ देंगे बूंदी जी? कहिए ना बूंदी जी, क्या हुआ? प्यार सच्चा होता ना बूंदी जी तो पलक झपकाए बिना हमारे साथ चल रही थी बूंदी जी। आप क्यों हालात अनुसार अपना अपना मूड नहीं बदलती?